नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ वॉर्निस, यानी आज हम वॉर्निस पे बात करने वाले हैं कि हमें वॉर्निस कैसे करनी चाहिए, और वॉर्निस करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आपकी ड्राइंग खराब हो जाएगी, और कौन सी वॉर्निस द बेस्ट होती है फॉर द ड्राइंग एक्रेलिक कलर। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रश की, कि हमें ब्रश कौन सी यूज करनी है। तो हमें फ्लैट ब्रश ही यूज करनी है, और उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है वाटर से, सो दैट उसमें बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। अदरवाइज डस्ट रहेगी तो वही डस्ट आपकी पेंटिंग में लग जाएगी और पेंटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो उससे अच्छे से क्लीन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको उसको सूखने रख देना है। जब वो ड्राई हो जाए तभी उसको यूज करना है। और जो भी हम पेंटिंग पे हम वॉर्निस करने जा रहे हैं उसके नीचे आपको उसे कवर कर देना है। आप कोई भी पेपर बिछा सकते हैं, यहाँ पर मैंने पेपर बिछाया हुआ है, और सो दैट इससे क्या होता है ना कि जो भी एक्स्ट्रा वॉर्निस होती है वो नीचे नहीं गिरती है। अदरवाइज वो नीचे गिरेगी तो आपकी पेंटिंग का नीचे का जो एरिया होता है वो भी ख़राब हो सकता है, और आपकी टेबल भी ख़राब हो जाएगी जिस पे भी आप रख के उसको यूज कर रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेंटिंग को पहले आप जिस भी पेंटिंग को आप वॉर्निस करना चाह रहे हैं उसको आप अच्छे से धूप में रख दीजिएगा, सो दैट पेंटिंग में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो बाहर निकल आए और पेंटिंग अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर पेंटिंग अच्छे से ड्राई नहीं होगी और आप लिक्विड वॉर्निस यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें से कलर निकलेगा, और कलर निकलेगा पेंटिंग का तो पेंटिंग डेफिनेटली आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर आप स्प्रे वॉर्निस करते हैं तो नहीं निकलता है कलर, बट फिर भी आप अच्छे से उसको ड्राई कर लें धूप पे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने पेंटिंग को अच्छे से ड्राई कर लिया है पहले। उसके बाद हमने क्या किया है कि कॉटन में हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है पेंटिंग को। उसके बाद हमें वॉर्निस करना है, सो दैट उसमें पेंटिंग में जितनी भी डस्ट लग गई हो वो भी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कैमलिन की ऑयल कलर वॉर्निश ली है। आप कोई और वॉर्निश ले सकते हैं, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वॉर्निश अवेलेबल है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से विजिट कर लीजिए। अगर आपको बाय करना है तो बाय भी कर लीजिए। यहाँ पे मैं वॉर्निश के 2 से 3 कोडेड करने वाली हूँ, और वॉर्निश करते टाइम आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है वो ये है कि आप जिस भी डायरेक्शन में आपने एक बार वॉर्निश कर दी है आपको उसी डायरेक्शन में ही वॉर्निश करनी है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मत करिएगा, उससे आपकी पेंटिंग का लुक खराब हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है, आप देख भी पा रहे हो मैं एक ही डायरेक्शन में कोडेड दे रही हूँ, तो आपको एक ही डायरेक्शन में देना है, क्योंकि आपको अगर अच्छा लुक देना है तो आपको उसी डायरेक्शन में करना होगा। एंड वॉर्निश हम इसलिए करते हैं सो दैट आपकी पेंटिंग लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे, क्योंकि आप इतना पेंटिंग में टाइम देते हो, इतना अट्रैक्शन होता है हमारा पेंटिंग के साथ, इतना अटैचमेंट होता है। अगर वो पेंटिंग खराब हो जाती है तो हमें काफ़ी दुख होता है। इसलिए आप वॉर्निश करते टाइम बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप कैमलिन का वॉर्निश ले लें जो कि अप्रॉक्स 200 में आ जाता है और बजट में भी होता है, तो आप वो वॉर्निश ले लें, काफ़ी हेल्पफुल रहती है वो वॉर्निश और सेफ भी रहती है उसकी पेंटिंग। आई होप आपको ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपने वीडियो को पूरा एंजॉय किया होगा एंड हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद। आपने मुझे अपना केंद्रीय समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।